इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, ये नामकरण मांग अभी भी कायम है। इसके साथ साथ अब नवम्बई के जितने भी 29 गांव हैं या यहां के सिडको जोन में जितने भी गांव हैं वहां के भूमिपुत्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो, इसके लिए जो शिखर समिति है वो लगातार बैठक कर रही है ताकि आंदोलन की रणनीति बनाई जा सके और समाधान मिल सके उसके लिए। इस वक्त अभी जो वासी में जो बैठक हुई है, नवम्बई महानगर पालिका क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक हुई है, भूमिपुत्रों से संवाद साधा गया है, तमाम नेता यहाँ पर आए हुए थे और जो इस संवाद बैठक का जिन्होंने आयोजन किया था दशरथ भगत साहब हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इस संवाद बैठक का, भूमिपुत्रों के साथ संवाद बैठक का असली मकसद क्या है और आगे की क्या रणनीति तय हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारा पहला ये मकसद है कि हमारे जो 24 जून जो दीपा पाटिल साहब का स्मरण दिन है, उस स्मरण दिन में उनका अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को नाम देना चाहिए दीपा पाटिल साहब का। उसके लिए बहुत तौर में और बहुत ज़्यादा वह संघर्ष जो लड़ा होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, उसके लिए पूर्व तैयारी थी। उसके साथ साथ जो देश का जो भूमिपुत्र है उसका स्थानिक लोकाधिकार की जागृति, जन जागृति हो और वो जन जागृति के लिए दीपा पाटिल साहब का नाम अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को देना ही पड़ेगा और वो उसके लिए हमें ये जन जागृति। उसके साथ साथ जो नई मुंबई के जो भूमिपुत्र है, शहरवासी पुत्र है, शहर के नागरिक है, ये झोपड़पट्टी के नागरिक है, जो उनका भी जो लीज जो जमीन है, उनके झोपड़ के नीचे का जमीन है या बिल्डिंग के नीचे का जमीन है या मकान के नीचे का जमीन है, वो जमीन मालिक के हक में मिलना चाहिए। ये जो हमें यहाँ का जो मीटिंग में सब वर्ग बोला तो नामकरण दीपा पाटिल साहब का अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को नाम मिलना ही चाहिए और उसके लिए 24 तारीख का जो आंदोलन है उस आंदोलन में भारी तादाद में लोग आना चाहिए। उसको आह्वान करने के लिए आज पूर्व तैयारी मीटिंग थी। उसके साथ साथ जो भूमिपुत्र है, शहर के नागरिक है और झोपड़पट्टी के, उनके भी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे मसले, ये भी ये मीटिंग में हमने लिए और ये सब वर्ग अभी ये लड़ा सिर्फ भूमिपुत्र का तो है ही है, उसके साथ साथ शहरवासी और झोपड़पट्टी का भी लड़ा है। अभी हम सबका दुख एक ही है और ये सबका दुख है कि अभी हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, इस मीटिंग का आज मकसद था। इसमें एक चीज़ जो सबसे पहले नजर आई है कि भूमिपुत्रों के साथ, अब स्थानीय भूमिपुत्रों के साथ झोपड़पट्टी इलाका भी आ गया, वहाँ के भी लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, जैसा कि इसका नाम रखा गया था संवाद बैठक थी, तो किस तरह का संवाद उन्होंने भूमिपुत्रों ने किया, क्या उनकी समस्याएं उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर उठाई जिसके समाधान के लिए इस आगे के आंदोलन में इसका उपयोग किया जाएगा? बात यह है कि दीपा पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दीपा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए, ये संघर्ष है। ये जो एक मंथन है, सागर मंथन है, ये सागर मंथन में से दीपा पाटिल साहब का नाम अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को देना ही देना है, लेकिन यही माध्यम से जो शहर के लोग हैं और शहर के जो भूमिपुत्र है, भूमिपुत्र ने जमीन दे दी है, शहर के लोगों ने पैसा दे दिया है और झोपड़पट्टी के लोगों ने श्रम दिया है, अभी ये जो तीनों इकट्ठा होके एकजुट होके जो भूमिपुत्र ने जमीन दिया है, शहर के लोगों ने पैसा दिया है और झोपड़पट्टी लोगों ने श्रम दिया है, सबका योगदान है, इसीलिए सबका सुख या दुख भले ही कम ज़्यादा हो लेकिन दुखी तो सभी है और इसीलिए अभी ये लड़ा एक आदमी का नहीं है, ये लड़ा अभी सभी वर्ग का लड़ा हो गया है। यही लड़ा का जो बिंदु यहाँ रखा है कि ये लड़ाई अभी सबकी लड़ाई है, ये लड़ाई का ये मीटिंग का यही मकसद था। पिछले 40 सालों से देखें तो राज्य सरकार और सिडको जिसके मातहत ये पूरा नवम्बई का और भूमिपुत्रों का जो समस्या लंबित है इसका मामला चलते आ रहा है, तमाम मांग तमाम आंदोलन हो चुके हैं, ऐसे में इस बार का आंदोलन खास क्यों होगा जो 24 तारीख का आंदोलन होगा और उसमें क्या रणनीति रहेगी, सरकार को क्या संदेश देने की कोशिश होगी? इसके अंदर हमारे जो अध्यक्ष दशरथ पाटिल साहब ने स्पष्ट से कहा कि ये सरकार को इशारा आंदोलन है, ये क्रांति आंदोलन का इशारा है, आगे सरकार देखेंगे, हम तो बड़े तादाद में जाएंगे। अभी मैं या ये जो लड़ाई जो पहला लड़ा था वो लड़ाई सिर्फ भूमिपुत्र और उसके अंदर शेर के लोग भी थे और झोपड़पट्टी के लोग थे, लेकिन अभी वो समय सहभागी थे, बस ये हमारे भाई है, भाई उनका दुख है तो हम भी उसके साथ हमें आएंगे, लेकिन आज जो शहरी पुत्र और जो झोपड़पट्टी के जो लोग हैं उनको अंदर भी भावना जागृत हो चुकी है, ये दुख हमारा सबका दुख है, तो इसीलिए ये
लड़ा, अभी बहुत जोर से होगा और गवर्नमेंट को एक क्रांति का इशारा है। एक बात जो सभी नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कही कि अब ये पूरा जो आंदोलन होगा शांति के मार्ग पर होगा, आपको लगता है कि इतने लंबे समय के डिमांड के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो अब नई क्रांति की जरूरत है और आक्रामक क्रांति की जरूरत है और इसमें ये नजर आएगा? बात कैसे है कि लोगों का काम है कि उसका मांग के लिए वो शांति से लड़ते, पहला शांति भंग करने का और वायोलेशन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट उस रास्ते पे लेके जा रहा है। उस दिन मैंने एयरपोर्ट के आंदोलन में जो हमने ये वहाँ खून दिए, गवर्नमेंट क्या बोलता है हमें खून दे दो, गवर्नमेंट की बोलते हमें खून दे दो, गवर्नमेंट हमें उकसा रही है, गवर्नमेंट हमें शांति से आक्रामक और अहिंसा पे चला रहे हैं। लोग नहीं, लोग आज भी शांति, ये लोग वारकरी है, संप्रदाय है, लोग शांति से लड़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट को क्या मांग रहे हैं वो, जो नामकरण जो उसकी अस्मिता और आइडेंटिटी है, वो अस्मिता और आइडेंटिटी और अस्तित्व मांग रहा है, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या जाता है उसके अंदर कि किसकी जेब में देना पड़ता है उसको, और जो हक है जो जमीन मालिक की हक है वो गवर्नमेंट कहा जाता है वो देने उनको क्या जाता है, उनके जेब से कुछ नहीं मांग रहे हम, हमारा ही हम मांग रहे हैं। तो इसके लिए ये जो क्रांति की दिशा में लेके जाना है वो गवर्नमेंट तय करे। आखिरी सवाल सर, क्या अपील करना चाहेंगे उन भूमिपुत्रों से, शहरवासियों से, झोपड़पट्टी धारकों से कि वो इस आंदोलन में खुलकर हिस्सा लें और चूंकि वो भी पीड़ित हैं एक तरह से तो इस पीड़ा का बयान करें और सरकार को जगाने की कोशिश करें? मेरा यही आह्वान है कि भूमिपुत्र, शहरवासी और झोरपट्टी वासी सबका दुख एक ही है, हम मिलके लड़ेंगे और 24 जून को हम सब मिलके लाखों की संख्या में हम रास्ते पे आएंगे ताकि हमारा हक जल्द से जल्द मिले। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने समय दिया। सबसे बड़ी चीज जो अभी उभर कर निकल कर आई है भूमिपुत्रों के संवाद कार्यक्रम में ये है कि अब इस जो सिडको और सरकार से पीड़ित लोग हैं वो सिर्फ भूमिपुत्र नहीं है बल्कि इस शहर में रहने वाले वो सभी लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ और समाधान पाने के लिए अब आखिरी आंदोलन की तैयारी है और 24 जून को उसका नज़ारा देखने के लिए मिलेगा और इसीलिए सबसे अपील भी की जा रही है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कैमरामैन घनश्याम गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।